Good morning, students. Once again, we are in the chapter Electronic Devices. Today, we need to study PN junction diode as a rectifier. Although we studied a bit about PN junction diode as a rectifier in yesterday's class, but still, this is the topic which we need to study today. Fine. Now, before going to this short topic, I'll give you a brief introduction about diodes. ठीक है जी? देखो, डायोड है क्या एक्चुअल में? हमने पी टाइप मटेरियल पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स पढ़े, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े. एक्सट्रिंसिक में हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ा. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने वहीं पे छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं है, वो प्योर है. दूसरा, एक्सट्रिंसिक में हमने इंप्यूरिटी ऐड की और एक्सट्रिंसिक के हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग एक्सट्रिंसिक. क्लियर? यू डन विद इट? इतना समझ में आ गया? क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर लगाम डाल दी हमने. मैं चाहूं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करूं, मैं चाहूं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करूं, वाइस वर्सा. रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस एज वेल. गेटिंग माय पॉइंट? डन. नाउ एज फार एज अ डायोड इज कंसर्न्ड, द बेसिक ऑफ डायोड इज अ पी इंजेक्शन डायोड. व्हेन अ पी टाइप मटीरियल, assume this as a p-type material and this as a n-type material, when this p and n joins, और जो इनका joint है वो एक junction बनाता है, p-n junction diode. ये तो नाम हो गया इसका. अब ये करता क्या है? p-n junction diode बन जाता है. ये बीच में जो ये बन गया है, junction है ये p-n का. clear है? अब p side में majority carriers क्या है? holes. और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है? दो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं. और एन साइड में मेजॉरिटी क्या है? और एक दो क्या है? होल्स. अब एक तरफ आपने रख दिया है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ आपने रख दिए होल्स, और उसको जोड़ दिया और वो कंडक्टर है. तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के उधर जाएंगे, होल्स उधर से उठ के उधर जाएंगे. जैसे आप ये दो नदियां मिलती हैं नीचे, तो आप लोगों ने देखा होगा इनके बीच में क्लियर बैरियर नहीं होता, थोड़ा सा पानी. एक कई बार उस पानी, नदी का पानी साफ है, इसका गंदा है, तो दूर से देखते हैं हमको क्लियर दिखता है. लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप एक शीट लेके उसके बीच में रख दो, उधर का पानी बिल्कुल साफ और इधर का पानी बिल्कुल गंदा, ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है वो. क्योंकि बीच में कुछ पोर्शन है जहां पे वो मिक्स होते ही होते हैं. इन द सिमिलर फैशन, बीच में कुछ पोर्शन है जहां पे ये पी टाइप के होल्स उधर चले जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जा जाते हैं, रिकम्बिनेशन होती है. उस रिकम्बिनेशन की वजह से बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और उस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं. क्लियर? क्लियर है जी? कोई डाउट है तो पूछना. नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ पी इंजेक्शन डायोड. ये जो ट्राइंगल सा मैंने बनाया या एरो सा मैंने बनाया, ये पी, और जो सीधी प्लेट बना दी वो क्या? एन. अगर आप मार्केट में खरीदने जाओ, पीएन जंक्शन डायोड देखा कभी? देखा कभी आपने? लाया था. अगर मैं आपको पकड़ा दूं, वो चेक कर सकते हो आप पी साइड कौन सी, एन साइड कौन सी है? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पे आपने ये देखा, प्रैक्टिकल में आपने देखा नहीं. मेरा ये चैप्टर शुरू कराने का मकसद ही यही था कि आपको ये चीजें पढ़ाऊं और प्रैक्टिकली कराऊं. मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ये. अब देखो, जो आप हार्डवेयर देखोगे ना पी इंजेक्शन डायोड, पता कैसा होगा? ऐसा ब्लैक कलर का एक होगा, यहाँ पे सिल्वर लाइन होगी, और ये होगा. ये जो ब्लैक है ये पी है, जो सिल्वर लाइन है वो एन है. पी एन, बीच में क्या बना हुआ है? जंक्शन. डन. नाउ ये जब हम इसको बायस करते हैं, तो बायसिंग दो तरह की, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग. व्हेन पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दिस मींस इट इज फॉरवर्ड बायस. एंड व्हेन पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, जब उल्टा उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? रिवर्स बायस है. जब फॉरवर्ड बायसिंग हो तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी, जब रिवर्स बायसिंग होगी तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी. क्लियर है जी? क्लियर है? अब फ्लो क्यों करेगी और क्यों नहीं करेगी? देखो, जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया, पी को मैंने किया पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, तो पी साइड पे क्या है? ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश कर रहा. पी साइड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, होल्स, और एन साइड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. अब ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल. पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल. ये पॉजिटिव इन होल्स को उधर धक्का मार रहा है, ये नेगेटिव इन. तेरा ध्यान कहां होता है? क्या सोच रहा है?
फिर इधर बोर्ड पे, या बताएगा नहीं, इफ यू नो एवरीथिंग देन कम ऑन द बोर्ड, अदरवाइज लुक ओवर हियर व्हेन आई एम टीचिंग। पी और एन साइड, पी साइड से होल्स को इधर धक्का लग रहा है, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का रहा है, बीच में वो था क्या, डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो रही है, कम, तो डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन खत्म हुआ तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। डन। नाउ इस डिप्लीशन रीजन का एक अपना पोटेंशियल है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। अब या आप मुझे बताओगे जर्मेनियम के केस में 0.3 क्यों है और सिलिकॉन के केस में 0.7 क्यों है? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू विल टेल मी दिस थिंग, डू यू नो इट राइट नाउ? नहीं तो बताओगे, कल बताओगे। ठीक है लड़की, ठीक है। अब क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। जब मैं इसको रिवर्स बायस करूंगा, जब यहां पे मैं नेगेटिव लगा दूं, वहां पॉजिटिव लगा, ये नेगेटिव होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जो विड्थ है डिप्लीशन जो इनको रोक रही है, बैरियर बढ़ जाएगा, बैरियर बढ़ा तो करंट स्टॉप, तब करंट फ्लो करेगी, एक थोड़ी सी लीकेज करंट फ्लो करेगी। किस वजह से, किस वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। डन। मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर, ये क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो। दिस इज द बेसिक्स। Still, if you have any sort of doubts, you are free to ask me. Last, लड़की, आंखें इधर, नजर इधर, ध्यान जलंधर, तू तेरा ध्यान कहाँ है? इधर बोर्ड की तरफ। Clear है जी? Now, today's topic is PN junction diode as a rectifier. In the previous class, I have told you that rectifier is a semiconductor device which converts AC to DC. आपके charger, mobile chargers, आपका घर पे जो inverter है, इन्वर्टर नॉर्मली डीसी टू एसी करता है, लेकिन जो इन्वर्टर हमारे घर में डब्बा लगा होता है ना, उसका एक रेक्टिफायर सेक्शन होता है, एक इन्वर्जन सेक्शन। क्लियर है जी? अब रेक्टिफायर्स, अब रेक्टिफायर्स क्लियर है, रेक्टिफायर क्या करता है, जो एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। इसको याद रखना, और जो उल्टा करे उसको इन्वर्टर। डन। नाउ rectifiers are further classified into two types, half wave rectifiers and full wave rectifiers. As far as half wave rectifier is concerned, ye kal bhi humne thoda sa discuss kiya tha, dekho ye maine bana diya transformer, ye primary with np number of turns, ye secondary with ns number of turns, ye jo do line hum banate hain ye core depict karta hai. Bahut se log ye nahi banate lekin ye bana leni chahiye, theek rehta hai, theek hai? Primary of the transformer, secondary of the transformer, this is the core. Now प्राइमरी से सेकेंडरी पावर ट्रांसफर हो रही है, कौन सी, एसी पावर। यहां पे भी एसी थी, वहां पे भी क्या है, एसी। अब ये मेरी इनपुट पावर है, अब जब यहां से एक बार ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये नेगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट फ्लो कर रही है, लोड करंट आइए, ठीक है। जब रिवर्स होगा, जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव हो गया, तो डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये करंट ऐसे चलेगी और यहां पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट साइकिल में फिर से पॉजिटिव हाफ आ गया, फिर से डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस हो गया, फिर से इसने क्या किया, कंडक्ट किया, फिर नेगेटिव हाफ, फिर जीरो। सो ये जो है, दिस इज द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। विल परफॉर्म इट इन द प्रैक्टिकल्स, विल डू इट, ठीक है जी, विल डू इट। कोई डाउट है, चलें आगे। तो ये आगे इसकी इनपुट, ये आगे इसकी आउटपुट। डन। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने आधी ही वेव यूज की, आधी वेव तो खत्म हो गई ना, तो पहले ही एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो फिर यहां पे तो 50% एफिशिएंसी वैसे ही खत्म होगी, और इसकी एफिशिएंसी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ 41% के आसपास है शायद, ठीक है जी, क्लियर है। अब आ जाओ फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगी, ये जो नेगेटिव है इसको मैं इन्वर्ट करके ऊपर ले आऊंगा, ताकि ये ऐसे 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 चलना चाहिए। डन है जी? अब वो मैं कैसे करूंगा, उल्टा ला के ऊपर, ये लॉजिक है, एक एक सर्किट के लिए साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी दी है, सो डोंट मेक इट अ मॉकरी, ध्यान रखो, समझने की कोशिश करो। आप लोग समझ भी नहीं सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, फिर और आर्ट्स में आ जाओ। फुल वेव रेक्टिफायर ध्यान से देखना,
फुल वेव रेक्टिफायर आगे दो तरह का होता है, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज टाइप। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सेंटर टैप है। सेंटर टैप मतलब बीच में से कनेक्शन निकाल लिया। टैपिंग, टैप क्या होता है? पानी का नल, उसमें हम क्या करते हैं? टैपिंग्स निकाल लेते हैं। ऊपर से एक पाइप आ रही है, पहले फ्लोर पे एक टैपिंग, दूसरे फ्लोर पे फिर टैपिंग, तीसरे फ्लोर पे फिर टैपिंग, हमने टैप्स लगा लिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया जिसकी प्राइमरी साइड पे ए बी है, सेकेंडरी साइड पे एक्स वाई है, और उसकी मैंने एक टैपिंग ले ली पॉइंट सी से। ठीक है, और मैंने यहां पे एक ही डायोड कनेक्ट किया था डी, वहां पे दो डायोड्स कनेक्ट कर दिए डी वन डी टू। अब एक बार ऊपर वाला पॉजिटिव है, देखना आप ध्यान से, फर्स्ट हाफ में व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, डायोड डी वन इज फॉरवर्ड बायस, डी टू इज रिवर्स बायस, उस टाइम पे क्या होगा? यहां से ये सर्किट ओपन, मतलब कोई भी करंट नहीं जाएगी, ऊपर से वो सर्किट शॉर्ट, करंट फ्लो करेगी। देन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द वेव करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्यू टू डायोड डी वन एंड इट विल फ्लो फ्रॉम, देखो एक्स से करंट गई कहां? आर एल में, या आर एल को मैं नाम ना दे दूं, एक्स वाई सी और डी नाम दे देते हैं, सी और डी, ये लोड है, हमने बल्ब लगाया हुआ है, कोई चीज लगाई हुई है। एक्स से करंट गई कहां? डी वन में, डी वन से आगे कहां गई? सी में, सी से कहां गई? आर एल की जगह में डी, सी से डी में, डी से घूम के कहां आ गई? सी, और वापस कहां चले गई? एक्स में। तो हो गया क्लोज लूप। करंट किसकी वजह से फ्लो हुई? डी वन की वजह से। क्यों? क्योंकि डी टू इस टाइम पे क्या है? ऑफ। अब जब नेगेटिव हाफ आया, ध्यान से देखना, देन दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव हो गया तो डायोड डी टू बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड डी वन बिकम्स रिवर्स बायस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डी वन बिकम्स एन ओपन सर्किट एंड डी टू मेक्स ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वाई डी टू, बैक गई ऊपर सी डी, ऊपर भी सी है, यहां पे भी सी है, इसको हम ओ कर दें, ठीक है, क्लियर है जी। तो करंट कहां से फ्लो हुई? वाई से, वाई से कहां गई? डी टू, डी टू से कहां गई? सी, सी से कहां गई? डी, डी से कहां आई? ओ, ओ से कहां आई? वाई। तो करंट का पाथ क्या बना उस टाइम पे, देखना ध्यान से, ये पाथ बना करंट का। लेकिन आप पहले में देखो या दूसरे में देखो, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या थी? फ्रॉम लोड में क्या थी? सी टू डी। इट मींस ईदर इट इज पॉजिटिव हाफ और इट इज नेगेटिव हाफ, हार्डली मैटर्स, बट इन बोथ द केसेस डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू लोड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट इन दिस पर्टिकुलर केस डायोड डी टू इज रनिंग एंड डी वन इज ऑफ। अगेन D1 कंडक्ट हुआ, D2 ऑफ, D2 कंडक्ट हुआ, D1 ऑफ। क्लियर है जी? वेव शेप समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बताओ। क्योंकि ये सारे के सारा पॉजिटिव पे है और फुल वेव को इसने पॉजिटिव साइड पे ले आया, इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोगों को पता है DC कैसी होती है? DC क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो मैंने क्यों कहा ये रेक्टिफायर है, इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया? ये डीसी तो नहीं है, है ये डीसी? तो फिर हमने इसको रेक्टिफायर क्यों कहा? शाबाश, हाफ वाला डीसी है ये। इसको हम कहते हैं रिपल्ड आउटपुट। क्या कहते हैं इसको? रिपल्ड। रिपल क्या होते हैं? पानी के बीच में अगर कंकर फेंको तो लहरें नहीं बनती, ये लहरें बन रही हैं। दिस इज रिपल्ड आउटपुट। नाउ दिस रिपल्ड आउटपुट कैन बी फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स, और आगे फिल्टर्स पढ़ाए जाते हैं। और फिल्टर्स आप लोगों के तो खैर सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर भी नहीं है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। ब्रिज टाइप में चार, आपने जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है ना, तो चार डायोड्स लगाते हैं ब्रिज में, और इसको हम इस्तेमाल नहीं करते प्रैक्टिकली, हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं। वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो ब्रिज टाइप अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये क्लियर है?
कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, अब अगर ये लोड है, इस लोड के अक्रॉस हम देखेंगे वेव्स। अगर मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगा दूं तो वेव शेप स्मूथ हो जाएगी, अगर एक इंडक्टर लगा दूं तो वेव शेप और स्मूथ हो जाएगी। अब ये आउटपुट है ना, अगर मैं इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगाऊं, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, अगर कैपेसिटर लगाऊं ना तो देखना इधर ध्यान से, अगर एक कैपेसिटर लगा दूं, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये ऐसे ही रहेगा। तो कुछ कुछ प्लेन हो रही है। सिर्फ मैंने क्या करना है, इस लोड के अक्रॉस मैंने एक कैपेसिटर लगा देना है, बात खत्म। अगर मैंने एक इंडक्टर भी लगा दिया, यहां पे मैंने अगर एक इंडक्टर घुसा दिया हो, तो आर एल बोलते हैं इसको, लोड नहीं ये है एलसी कैपेसिटर, एलसी फिल्टर, तो ये और ज्यादा, ये फिर क्या हो जाएगा देखना, ये ऐसे चेंज हो रही है ना, अगर मैंने वो लगा दिया तो ये ऐसे हो जाएगी, और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। आप कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है जी, ये एज इट इज हम लोड को नहीं देते विदाउट फिल्टरिंग, फिल्टर करके लोड को देते। एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स? कितना हो गया, ज्यादा हो गया? हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कर दे, क्लोज कर दे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।